एक्टिविटी लेकर आया हूँ, तो थोड़ा इस पर सोचिए ये कैसे काम कर रहे हैं। एक्टिविटी क्या है? ये बैलून है हमारे पास और ये कप है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा तो आप सब देख पा रहे हैं नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब इस पर मैं हवा ऊपर से यहाँ पे गोले दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं हवा फूकूंगा यहाँ से, तब देखते हैं नीचे गिरेगा या यहीं पे रहेगा या ऊपर चला जाएगा, कुछ बता सकते हो आप? पहले सोच सकते हो? ग्लो करेगी या सक करेगी? ग्लो करेगी, ग्लो करूंगा सर, बाहर की तरफ फूक मारूंगा, ग्लो करूंगा, बताइए ग्लो करेंगे क्या होगा? नीचे जाएगा। ओके, कोई और कुछ और आइडिया? सक नहीं करूंगा मैं, ग्लो करूंगा, नीचे की तरफ फूकूंगा। ये हमें कैसे पता चलेगा क्या आपने जनरली ग्लो किया है या सक? अब आप देख सकते हो चेहरे का। ओके नाउ आज तो कब हो रहा है ये? ये इससे चिपक गया जबकि मैंने सच में इसको फूंका है। आप यकीन नहीं होता तो कोई आगे देख सकता है, ठीक है? ओके दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, जैसे ही सांस लेना कंप्लीट हुआ ऑक्सीजन थी फूकने के बाद ये वापस नीचे गिर गया। हवा जैसे ही मैंने मारने बंद की ये नीचे गिर गया। तो थोड़ा सा आप सोचिए इसके बारे में कैसे हुआ, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगा, ठीक है? यस, एनीवन वांट्स टू आंसर? आप लोग भी बता सकते। यू ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज ग्रेविटी? All of us are aware about the gravity, that everything that goes up will come to the earth. That is gravitational force of our gravity. So basically, if we drop a balloon, it has to be go down due to the gravity. This is the concept. But here, what is happening? Why gravity is not working after blowing the balloon? Pressure of air. प्रेशर के लिए हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ से हवा को इससे फूंका है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? प्रेशर के लिए हम बात करते हैं, ऊपर तो चिपका हुआ है, नीचे क्यों नहीं गया जबकि हवा ऊपर से फूकी जा रही है नीचे की तरफ और ग्रेविटी भी सेम रहती है नीचे की तरफ। तो वॉर्म वो तो कौन सा नहीं आ रही कन्वेक्शन अपने अंदर से बाहर नहीं नहीं आप इसमें कोल्ड एयर यूज कर सकते हैं, ब्लोअर यूज कर सकते हैं, उससे भी चिपकेगा ये सर अभी है लेकिन एयर है लेकिन ग्रेविटी तो नीचे ही खींचेगी ना, और ऊपर से अगर हम धक्का देंगे किसी चीज को तो भी नीचे ही जाएगी। बिल्कुल सही बताइए आप लोग, अच्छा इंटरेस्ट है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। तो ये देखिए हमारे पास ये पेज है और इस पेज को ये इस तरह से नीचे अब मैं इस पे भी हवा फूकता हूँ, इस पर हवा फूकूंगा मैं तो देखिए किधर जाता है। कोशिश करूंगा ठीक हो, फिर से कोई एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं होता, हम कंडीशन जो अप्लाई कर रहे हैं वो कैसी है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट हो जाता है, ठीक है? ये किधर आया? ऊपर आया। मैं फूक रहा हूं इस तरफ तो आ रहा है ये ऊपर, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे ही हम हवा की स्पीड बढ़ाते हैं हवा की स्पीड बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी एनर्जी होती है एनर्जी बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या हो जाती है कम। तो आप कुछ कुछ प्रेशर के बारे में जो कह रहे थे ठीक था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर कभी भी हवा की स्पीड बढ़ती है तो वहां पर प्रेशर लो होता है और जहां हवा की स्पीड कम होती है वहां प्रेशर हाई होता है। इसके लिए मैं एक एक्टिविटी और दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जिसमें हमारे सेंट या जो स्प्रे होते हैं वो काम करते हैं। अब इसमें पानी है कप के अंदर और ये मेरे पास एक स्ट्रो आप बोल सकते हैं, पेन है, पेन का मैंने यूज किया इसमें, और इस तरह से मैं क्या करूंगा इसके ऊपर मैं हवा फूकता हूँ, फिर से जैसे ही यहाँ से हवा जाएगी तो क्या हो जाएगा प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन जो अंदर जो हवा है ऑलरेडी या पानी जो है इसके आसपास जो हवा है उसका प्रेशर तो कम नहीं हुआ, उसकी तो स्पीड को हमने चेंज नहीं किया। तो देखिए शायद आपको दिख गया व्हाट इज स्प्रे?
तो ये पानी नीचे से कहां गया? ऊपर। किस कारण? यहां पर मैंने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ने से क्या हुआ? प्रेशर एनर्जी कम हुई। इसी प्रकार दो ट्रक या दो गाड़ी हाईवे पर चल रही है बहुत ही हाई स्पीड में, तो उनके बीच में भी प्रेशर कम होने के चांस होते हैं और उनके आपस में टकराने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वहां पर भी हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सर।